नमस्कार, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश के महोबा में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले गरीब परिवारों के लिए उज्ज्वला 2.0 का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीरभूमि महोबा से वर्चुअल शुभारंभ किया है। बटन दबाते ही उज्ज्वला योजना का दूसरा चरण शुरू हो गया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि 1 करोड़ महिलाओं के जीवन को बदलने का प्रयास किया जा रहा है। पीएम ने कहा, अब देश मूल सुविधाओं की पूर्ति से बेहतर जीवन के सपने को पूरा करने की तरफ बढ़ रहा है। आने वाले 25 साल में इस सामर्थ्य को हमें कई गुना बढ़ाना है। समर्थ और सक्षम भारत के संकल्प को हमें मिलकर सिद्ध करना है। इस पर बहनों की विशेष भूमिका होने वाली है। पीएम मोदी बोले, बायोफ्यूल एक स्वच्छ ईंधन मात्र नहीं है, बल्कि ये ईंधन में आत्मनिर्भरता के इंजन को, देश के विकास इंजन को, गाँव के विकास इंजन को गति देने का भी एक जरिया है। बायोफ्यूल एक ऐसी ऊर्जा है जो हम घर और खेत के कचरे से, पौधों से, खराब अनाज से प्राप्त कर सकते हैं। पीएम मोदी ने कहा, बुंदेलखंड सहित पूरे यूपी और दूसरे राज्यों के हमारे अनेक साथी काम करने के लिए गांव से शहर जाते हैं, दूसरे राज्य जाते हैं, लेकिन वहां उनके सामने एड्रेस के प्रमाण की समस्या आती है। ऐसे ही लाखों परिवारों को उज्ज्वला 2.0 योजना सबसे अधिक राहत देती है। वहीं बरेली में 5 माह के अपहृत बच्ची को बरेली पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। बच्ची को बीते रविवार को सुबह 5 बजे 2 बाइक सवार अज्ञात बदमाश अपहरण कर ले गए थे। बच्ची के अपहरण के मामले में पीड़ित परिवार ने कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज लगा, जिसमें 2 बाइक सवार बच्ची को ले जाते हुए दिखे। वहीं सीसीटीवी की मदद से पुलिस ने अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर मासूम को सकुशल बरामद कर लिया है। हमारे बच्चा चोरी कराया गया था वहाँ से, बैंक के पास से, कैमरे के सामने से। इस औरत ने आई, हमसे बोली कोई बच्चे बिकता हो तो बता दो। मैं इनके साथ आपको बता दूंगी, आपको चाहिए बच्चे तो मेरे बच्चे के पीछे इन लोगों ने लड़के लगा दिए। मेरे बच्चे के पीछे लड़के लगा दिए इन लोगों ने, मेरा बच्चा उठा लिया गया। तो मैं रोई, ट्रंप वालों ने हमें बताया, बोले ऐसे तो बच्चे आपका चोरी हुए। तो मैं कपड़ा की कोतवाली आई थी तारक, इन लोगों ने तो मेरे बच्चे को मैं ढूंढती रही, रोती रही, कहीं नहीं मिला। तब मैंने इनके पास आई, कोतवाल साहब के पास। कितने बच्चे हैं? एक ही पिलोटी की लड़की है। ये कितने दिन की है? 5 महीने 9 दिन की। पहला बच्चा आपके और बच्चे? नहीं, पहला बच्चा है। करती क्या होती है? भीख मांगती हूँ चौकी चौराहे पे। इस बच्चे का क्या नाम है? रोशन। कितने रुपए बता रहे थे बच्ची के लिए? बोले 40,000 दे देंगे आपको, उनका बच्चा दिलवा दो। मैंने कहा मैं कैसे दिलवा दूँ, आपके पैसे खा के लखपति कौन से बन जाऊंगी। मेरी बहन से ही मेरा बच्चा मांग रहे थे, तो मेरी अम्मी से पूछे कि इनकी माँ कहाँ। मेरी माँ ने कहते मुरादाबाद गई है। नहीं ना, जानती थी ना, पहचानते अनजान थे ये लोग। कल दिनांक 8/8/2021 को रात्रि के लगभग 11 बजे एक तहरीर दिया गया, जिसमें एक वादनी के द्वारा बताया गया कि उनकी 5 महीने की लगभग की बच्ची हैं, उनको चौकी चौराहा के पास में जो दामोदर स्वरूप पार्क है, वहां से 2 बाइक अज्ञात बाइक सवारों के द्वारा अपहरण कर लिया गया है। इस संदर्भ में थाना कोतवाली पे 363 IPC का मुकदमा पंजीकृत किया गया। मुकदमा पंजीकृत होने के बाद में बच्ची के सकुशल बरामदगी के लिए एक टीम का गठन किया गया। टीम के सभी सदस्यों ने मिलकर ये काफ़ी ही सराहनीय काम किया है और बच्ची को 24 घंटे के अंदर में सकुशल बरामद कर लिया गया है। सर, पुलिस आरोपी तक कैसे पहुंची, किस तरीके से बच्ची क्यों चुराई गई थी, क्या? जो CCTV फुटेज हमें मौके से मिले थे और एक व्यक्ति जो आई विटनेस थे उनके द्वारा कुछ लीड दिए गए थे, उस लीड के आधार पर हमने इस जो अपहरणकर्ता उनके तक हमारे द्वारा पहुँचा गया और वहाँ से बच्ची को सकुशल बरामद किया गया। संतोष सिंह को कोतवाली पुलिस एवं एंटी नारकोटिक्स टीम ने एक मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के दौरान हिस्ट्री शीटर की फायरिंग से सिपाही नीरज पासवान गोली लगने से घायल हो गया। घायल सिपाही को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं गिरफ्तार हिस्ट्री शीटर से पुलिस ने 12 बोर का अवैध तमंचा बाइक को बरामद किया है। आपको बताते चले कि हिस्ट्री शीटर संतोष सिंह पर रंगदारी, हत्या के प्रयास समेत अन्य आपराधिक मामलों में कुल 20 मुकदमे दर्ज। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मुठभेड़ में हिस्ट्री सीटर को गिरफ्तार किया गया है, जिसके ऊपर कुल 20 मुकदमे दर्ज बताए जा रहे हैं। ऑपरेशन क्लीन के अंतर्गत थाना
कोतवाली की टीम और एंटी नारकोटिक्स टीम की कल रात यहाँ पर मुठभेड़ हुई है बदमाशों के साथ में। उसमें एक थाना नगर का हिस्ट्री शीटर संतोष सिंह घायल हुआ है। इसके ऊपर पूर्व से 19 मुकदमे दर्ज हैं। इसके कब्जे से एक चोरी की बाइक बरामद हुई है जो कोतवाली क्षेत्र से चोरी की गई थी। साथ ही इसके पास से एक अवैध तमंचा 12 बोर का खोखा कारतूस बरामद हुआ है। इसने पुलिस टीम पर फायर किया जिसमें हमारे एक सिपाही को गोली लगी है। काम में जवाबी फायर में इसके पैर में गोली लगी है। दोनों हमारे सिपाही और ये अभियुक्त दोनों जिला अस्पताल में एडमिट हैं। दोनों खतरे से बाहर हैं। इसके अन्य साथियों की तलाश की जा रही है। शीघ्र ही इसके अन्य साथियों की तलाश करके उनके खिलाफ भी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। वहीं चित्रकूट में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से मंदाकिनी नदी उफान पर बह रही है, जिसके कारण राजापुर बांदा संपर्क मार्ग टूट गया, जिसके चलते लोगों को ट्यूब के सहारे सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ रहा है। वहीं पानी के तेज बहाव के चलते सरधुआ गांव में सड़क पर चल रहे दो ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गए। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने किसी तरह से दोनों ट्रक ड्राइवर समेत चार लोगों को कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं उफान पर बह रही है यमुना नदी, जहां पर ट्रक पलट गया। आपको बता दें कि पानी भरा होने की वजह से यह ट्रक पलट गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं हमारा घर डूब गया है, हमारे घर में न पानी की व्यवस्था न किसी प्रकार की व्यवस्था है। हम सुरक्षा स्थान के चक्कर में इस ट्यूब के सहारे जो है कि किसी भी अच्छे स्थान पहुंच जाए और अपना जो है रोजी रोटी लेकर अपना जो है जो भी व्यवस्था हो उसको अच्छे प्रकार से किया जाए। यहाँ पर समझ नहाने तक की व्यवस्था नहीं है, न खाने की व्यवस्था नहीं है, घर पूरा डूब गया है। अब सोचिए इस ट्यूब के सहारे सहारे हम एक उचित स्थान खोज रहे हैं ताकि हम जो शांतिप्रिय से बैठ सके और अच्छे से नहा धो सके। खाने की व्यवस्था भी तक नहीं है, यहाँ सारी व्यवस्था चरमरा गई है। प्रशासन की तरफ से किस तरह व्यवस्था? प्रशासन तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। प्रशासन आती है अपनी ड्यूटी करके चली जाती है। यहाँ पर जितने हमारे केवट भाई हैं अपना जो सुबह शाम से इतनी मेहनत करते हैं, इनको न तो एक रुपये दिया जाता है न इनको खाने की व्यवस्था दी जाती है, बस प्रशासन लिख के चली जाती है कमी को सारी व्यवस्था। पिछले साल ऐसे हुआ एक रुपये इन लोग को नहीं मिला। गरीबों का लोग हनन करते हैं, अब बस जो है अपने दबिश के कारण प्रशासन बुला लेती है और कुछ देती नहीं पैसा। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम रोहित त्रिपाठी। कहाँ के रहने वाले हैं? सरधुआ गांव। गाँव प्रभावित जो है वो दो तरह के हैं, आबादी प्रभावित और एक गांव में मतलब जो उसका खलिहान है खेत है वो प्रभावित हुआ है। आबादी के प्रभाव की बात करेंगे तो एक अर्की गाँव है, सरधुआ गाँव है, उसके पीछे पनौती गाँव है और कुछ गाँव और भी यमुना क्षेत्र किनारे के। फिलहाल हम लोग सरधुआ गाँव में खड़े हुए हैं। जो भी गाँव बाढ़ प्रभावित हुए हैं वहाँ पर जो भी आबादी प्रभावित हुई है और वो जिन जो घर प्रभावित हुए हैं उन सबको आइडेंटिफाई कर करके जो है वहाँ पे राहत शिविर जो बनाए हुए हैं हर एक गाँव में वहाँ पे पहुँचा दिया गया है और वहाँ पे उनके खाने की रहने की सारी व्यवस्थाएं देखी जा रही हैं। इस प्रकार से हर एक बार जो शिविर केंद्र है हमारे हैं वहाँ पर एक टीम डेडिकेटेड टीम बनाई गई 24/7 कार्य कर रही है। और आपके माध्यम से मैं अपील भी करना चाह रहा हूँ कि जिन क्षेत्रों में पानी आ रहा है और जिनको लगता है कि उनके घर के आसपास पानी आ रहा है कृपया तत्काल जो है राहत शिविर केंद्रों में शिफ्ट हो जाएं, इंतजार न करें और बाकी भी जितनी भी सुविधाएं हैं उसकी बनाने की कोशिश की जाए। गाजीपुर में गंगा नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। वहीं आज सुबह गंगा का जलस्तर 64.260 था जबकि 63.105 मीटर पर खतरे का बिंदु है। बाढ़ को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। वहीं जिलाधिकारी एमपी सिंह और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह ने नाव से बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया। साथ ही अधिकारियों ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोगों से बात की। वहीं अधिकारियों ने बाढ़ग्रस्त लोगों को राशन पानी दवा और जानवरों के चारा की उचित व्यवस्था के दिशा निर्देश भी दिए। तो यहाँ पर गंगा खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, खतरे की जो बिंदु होती है उसके ऊपर गंगा बह रही है, जिसके बाद वहाँ पर अधिकारियों ने इसका निरीक्षण किया। इसके साथ ही वहाँ रह रहे लोगों के लिए उचित व्यवस्थाएं भी की गई हैं। बाढ़ग्रस्त लोगों के लिए राशन पानी दवा जैसी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनका इंतजाम किया गया है। वहीं कानपुर में चकेरी निवासी रिटायर्ड इंस्पेक्टर दिनेश त्रिपाठी पर सोमवार को दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत FIR दर्ज की गई। रिटायर्ड इंस्पेक्टर दिनेश त्रिपाठी पर मकान की देखरेख करने वाली महिला की नाबालिग बेटी से दुष्कर्म का आरोप है। पुलिस ने कल देर शाम मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
पॉक्सो एक्ट के तहत FIR दर्ज की गई है, जिसके बाद ये गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें कि रिटायर्ड इंस्पेक्टर हैं जिनके ऊपर ये दुष्कर्म का आरोप लगाया गया है। इसके बाद FIR दर्ज हुई है और इनको पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार भी कर लिया गया है। आपको बता दें कि ये इंस्पेक्टर दिनेश त्रिपाठी पर मकान की देखरेख करने वाली महिला की नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने का आरोप लगा, जिसके बाद पॉक्सो एक्ट के तहत FIR दर्ज हुई है और फिलहाल पुलिस ने रिटायर्ड इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। थाना चकेरी में एक 13 वर्ष की बालिका के साथ दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। इसमें 376 तथा 3/4 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत करके अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियुक्त इसमें रिटायर्ड इंस्पेक्टर है, जो कि झांसी से 2016 में इंस्पेक्टर के पद से रिटायर हुए थे झांसी से। इसमें मामला ये है कि जो अभियुक्त हैं उनका घर मूलतः इलाहाबाद में है और चकेरी में भी इन्होंने एक मकान बनाया हुआ है। कल दिनांक 9 अगस्त को ये अपने घर पे आए थे और अपने घर का एक हिस्सा इन्होंने एक जो पीड़िता है उसके परिवार वालों को रहने के लिए दिया हुआ है। रात में पीड़िता और उसका भाई इनके घर पे टीवी देख रहे थे। देर रात 12 बजे जब पीड़िता का भाई अपने घर पहुंच गया और पीड़िता अपने घर नहीं पहुंची, तो उसकी माँ उसका पता करने के लिए इनके घर पे आई और जब धक्का देकर दरवाज़ा खोला तो ये पीड़िता के साथ जो अभियुक्त हैं आपत्तिजनक अवस्था में पाए गए। इस संबंध में थाने पर तहरीर दी गई, जिसमें अभियुक्त को तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया है। कल इनको न्यायालय पेश करके जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी। बाकी पीड़िता का जो मेडिकल है या अन्य जो कार्रवाइयाँ हैं वो पुलिस द्वारा की जा रही हैं। धन्यवाद। मेरठ के थाना गंगानगर क्षेत्र के आमखेड़ा गांव के निवासी आज कलेक्ट्रेट कार्यालय पर पहुंचे, जहां उन्होंने DM को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है कि हमारे गांव की राशन एजेंसी का आवेदन दोबारा किया जाए। वहीं ग्रामीणों ने चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए ग्राम प्रधान पर आरोप लगाया कि उन्होंने गांव की राशन एजेंसी की चयन प्रक्रिया नहीं कराई और ना ही गांव के किसी सदस्य को बताया, चुपचाप ही गांव की राशन एजेंसी को आवेदन कर दिया। अब हमारी मांग है कि राशन एजेंसी की दोबारा चुनाव प्रक्रिया को शुरू किया जाए। तो आपको बता दें कि ग्राम प्रधान पर आरोप लगाए गए हैं, जिसके बाद कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं कुछ लोग, जिनकी तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ग्रामीणों ने वहां पहुंचकर DM को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने बताया है कि गांव के किसी सदस्य को इसमें शामिल नहीं किया गया और राशन एजेंसी की चयन प्रक्रिया भी नहीं कराई गई, जिसके बाद ये सब लोग वहां पहुंचे, इन्होंने DM को ज्ञापन सौंपा है और ज्ञापन सौंपने के साथ ही इन्होंने DM से कहा कि चुपचाप ही गांव की राशन एजेंसी को आवेदन दे दिया गया था, आवेदन कर दिया गया था, और अब इनकी मांग है कि राशन एजेंसी की जो चुनाव प्रक्रिया है उसको दोबारा से करवाया जाए। आज हम आए हैं आवेदन सरकारी गल्ले की दुकान की जो चयन प्रक्रिया है उसको गलत तरीके से कराया गया, उसको दोबारा से कराने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। किससे मिले आप? हम मिले DM साहब से। क्या आश्वासन दिया उन्होंने? आश्वासन दिया है कि वो वीडियो के द्वारा जांच कराएंगे उसकी, और अगर दोबारा से हो सकता है चुनाव तो कराएंगे। दोबारा जाँच किसके चाहते हो आप? दोबारा जाँच इसलिए चाहते हैं क्योंकि सभी को बराबर मौका नहीं मिला आवेदन करने का, और ना ही किसी प्रकार की गाँव में मनादी कराई गई, जिस वजह से ऐसा करना पड़ा। वहीं पीलीभीत के ओकेजन बैंकट हॉल में समाजवादी पार्टी ने सदस्यता कार्यक्रम का आयोजन किया। वहीं सदस्यता कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मेजर आशीष चतुर्वेदी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी सैनिक प्रकोष्ठ मौजूद रहे। आपको बताते चलें कि सदस्यता कार्यक्रम में 500 से ज्यादा लोगों को जोड़ने का काम किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सपा का ये सदस्यता कार्यक्रम, जिसमें 500 से ज्यादा लोगों को जोड़ने का ये पूरा जो अभियान है उसको चलाया जा रहा है। चुनाव को देखते हुए अभी से तरह तरह के कार्यक्रमों की शुरुआत की जा चुकी है। ऐसे में यहाँ पर आपको बता दें कि सदस्यता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके बाद 500 लोगों को जोड़ने की यहाँ कवायद की गई। पीलीभीत का ये पूरा मामला है जहाँ पर समाजवादी पार्टी ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि वहीं सदस्यता कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मेजर आशीष चतुर्वेदी, जो कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी सैनिक प्रकोष्ठ थे, वो आए हुए थे। इसके साथ ही वहां पर सदस्यता कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाया गया। भारतीय जनता पार्टी से पब्लिक आज बहुत ज्यादा नाराज है। केवल एक पार्टी से आज जो है उत्तर प्रदेश की जनता उम्मीद लगाए हुए है, वो है समाजवादी पार्टी, और उसी जनता की उम्मीद को देखते हुए
बहुजन समाज पार्टी से भी आप देख रहे हैं कि निरंतर रोजाना कुछ ना कुछ नेता कार्यकर्ता जो हैं वो समाजवादी पार्टी की ओर रुख कर शामिल हो रहे हैं। क्या अखिलेश जी ने आपको पीलीभीत के ब्राह्मण वोटों पर प्रभाव डालने के लिए, ब्राह्मण वोटों को लुभाने के लिए पीलीभीत का भेजा? नहीं, देखिए मैं केवल ब्राह्मण वोटों पे या इस तरीके की कभी भी कोई इस तरीके की कवायद में मैं कभी भी नहीं रहा हूँ। जहाँ भी मैं गया हूँ मैं हमेशा सर समाज की ही बात करता हूँ, तो मैं यहाँ भी आया हूँ तो आज हम यहाँ लोगों को जो जोड़ रहे हैं, आज उसमें अधिकांश लोग में ब्राह्मण जुड़ रहे हैं क्योंकि जो आयोजक हैं हमारे और पार्टी के तिवारी जी वो ब्राह्मण हैं, लेकिन उनके अलावा और भी समुदाय वर्ग और धर्म के लोग जो हैं समाजवादी पार्टी आज ज्वाइन कर रहे हैं। वहीं प्रतापगढ़ में कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रमोद तिवारी ने बेटी और कांग्रेस विधायक दल की नेता आराधना मिश्रा मोना की अगुवाई में बीजेपी गद्दी छोड़ो सम्मेलन का आयोजन किया। वहीं प्रमोद तिवारी ने सम्मेलन में बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सरकार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी और महंगाई बढ़ी और वहीं कानून व्यवस्था भी सबसे ज्यादा खराब हुई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बीजेपी गद्दी छोड़ो सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। आसिफ अली के नेतृत्व में जब सारे हमारे लोग बंद थे कांग्रेस जन, क्योंकि उस समय हमारा कच्चा माल ले जाके पक्का हमें कई गुना ज़्यादा दाम पे वापस दिया जाता, हमारे किसानों की समस्याएं नहीं सुनी जाती थी, बेरोजगारी बढ़ रही थी, चारों तरफ महंगाई थी, तो आज प्रियंका गांधी के नेतृत्व में, उनके आदरणीय सोनिया जी के नेतृत्व में, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर, कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता मोना जी के निर्देश पर आज प्रतापगढ़ की कांग्रेस ने मुस्तफाबाद में यहाँ रामपुर खास की धरती पर बैठकर नारा दिया है कि जो सरकार बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे सकती, जो किसानों को उनके पसीने का हिसाब नहीं दे सकती, जो महंगाई नहीं रोक सकती 100 रुपये पेट्रोल पर बेच रही हो, जो कानून व्यवस्था नहीं रोक सकती, उस भाजपा की सरकार को गद्दी पे बने रहने का अधिकार नहीं, भाजपा गद्दी छोड़। जिस तरह से पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का राज जब से आए हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे देश हो, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, ये सारे ऐसे मुद्दे हैं जो शिक्षा के में जितनी अनियमितता हुई, कोरोना में किस तरह से लाखों लोग जो संक्रमित हुए, हजारों की मौतें हुई, सरकार केवल और केवल अपने आंकड़े को छुपाने में व्यस्त रही, जनता की मदद नहीं की। ये सारी असफलताएं हैं भारतीय जनता पार्टी की और इसी के खिलाफ जैसे 9 अगस्त को अगस्त क्रांति दिवस के दिन कांग्रेस पार्टी ने अंग्रेजों के खिलाफ नारा दिया था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, आज प्रतापगढ़ में रामपुर खास की धरती पर कांग्रेस के सभी जन यहाँ इकट्ठा हुए हैं और जिस तरह का निर्देश अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष आदरणीय सोनिया गांधी जी और हमारी प्रदेश की महासचिव प्रियंका जी के नेतृत्व में आज ये नारा भाजपा गद्दी छोड़ो की शुरुआत और शंखनाद आज रामपुर खास की धरती से हुआ। रामपुर के स्वार में शादी का झांसा देकर प्रेमी ने प्रेमिका के साथ दुष्कर्म किया। वहीं जब प्रेमिका ने प्रेमी से शादी की बात की तो प्रेमी ने शादी से साफ इनकार कर दिया। पीड़ित प्रेमिका ने थाने में आरोपी प्रेमी के खिलाफ तहरीर दी है। वहीं पुलिस ने मामले में कोई कार्रवाई फिलहाल नहीं की है। आपको बताते चले कि मामले में कोई कार्रवाई नहीं होने पर पीड़िता ने अपनी आपबीती का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और आरोपी के खिलाफ धारा 376 सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो आपको बता दें कि प्रेमी और प्रेमिका के बीच शादी को लेकर जो वादे हुए थे वो पूरे नहीं हो सके, जिसके बाद प्रेमिका ने प्रेमी के ऊपर दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है। पहले पुलिस ने मामला दर्ज करने में आनाकानी की, जिसके बाद प्रेमिका ने वीडियो बनाकर उसको सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, जिसके बाद पुलिस में हरकत में आई और अब फिलहाल FIR दर्ज हो चुकी है। 5 साल से मैं जैसे खेलता रहा और अब कहीं और शादी कर लिया। तो शिकायत तुमने थाने करी जाके? थाने गई मैं शिकायत करने के लिए, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या कहते हैं थाने वाले? 2 दिन का टाइम दे देते हैं। फिर अब क्या पता लगा तुम्हें? अब लगा कहीं और शादी कर रहा है। अच्छा, तुमने एक सोशल मीडिया पे वीडियो बना के डाली है, क्या कहोगी? न्याय नहीं मिल गया,
इसलिए मैंने वीडियो बनाकर डाली है, मुझे न्याय चाहिए। बरेली के फतेहगंज पश्चिमी के धनेटा क्षेत्र में बीती रात नकाबपोश बदमाशों ने एक कबाड़ व्यापारी के घर में लूटपाट की। वही लूट का विरोध करने पर पहले तो बदमाशों ने व्यापारी की जमकर पिटाई की, उसके बाद व्यापारी को बंधक बनाया। आपको बताते चले कि बदमाश नकदी और जेवर लेकर फरार। सूचना पर पहुंची पुलिस घटना की जानकारी में जुटी रही। वहीं डॉग स्क्वाड ने भी मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया। तो आपको बता दें, ये पूरा मामला लूट का है, जिसमें बदमाशों ने व्यापारी की जमकर पिटाई करने के बाद उसको बंधक बना लिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं लूटपाट की पूरी तस्वीरें, जहां गहने और नकदी लेकर बदमाश फरार। तो क्या वो मकान के अंदर पहले से बैठे हुए थे या बाद में जब आपने गेट खोला तब? नहीं, बाहर से एकदम बैठे हुए थे वो लोग पहले ही से। जैसे ही मैंने गेट खोला तुरंत एकदम अटैच कर दिया उन्होंने, मैंने उनका औजार छीन लिया एक बार। क्या क्या उनके साथ हथियार थे? एक हथियार था, एक आदमी के सिर। क्या था? समस्या था छोटा सा। फिर उसके बाद क्या करा आपके साथ? फिर उसके साथ मैंने एक बार छीन लिया, फिर उन्होंने क्या करा समस्या अपना भर के दाना मेरे सामने घोड़ा चला दिया। बोले अब तू बाल तू बोलेगा तो तुझे जान से मार दूंगा। फिर बोलने हाथ पैर मेरे आराम से मैंने बंधवा लिया, मैंने बांध दिया हाथ पैर, रोटा डाल दिया मेरे ऊपर, काटा कपड़ा डाल दिया उन्होंने सिर्फ मेरे सिर पे, मैं उल्टा पड़ा रहा। जितनी देर उन्होंने काम करा पड़ा, मुझसे बोले कि इसकी चाबी दे, मैंने कहा चाबी नहीं मेरे पास, वो चाबी मेरे बच्चे ले गए। वहीं बरेली में आज कांग्रेस जिला अध्यक्ष अजय शुक्ला के नेतृत्व में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, बिगड़ती कानून व्यवस्था, महिला अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपा गद्दी छोड़ो कार्यक्रम के तहत पदयात्रा निकाली गई। वहीं बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोलते हुए कोहड़ा पीर चौराह पर पदयात्रा को संपन्न किया गया। इस दौरान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अजय शुक्ला ने बताया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है, बढ़ती महंगाई से आम जनता त्रस्त है, बीजेपी सरकार जब से सत्ता में आई है तब से आम लोगों का जीना मुश्किल हो गया है, महिलाओं पर अत्याचार चरम पर है, यूपी में हर रोज बलात्कार और हत्या की घटनाएं सामने आ रही हैं, यूपी में जंगल राज कायम है। बीजेपी के खिलाफ सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आक्रोश जताया। आज महानगर कांग्रेस कमेटी की तरफ से प्रदेश के आह्वान पे हमारे माननीय प्रियंका जी और अजय कुमार लल्लू जी के आह्वान पे ये कार्यक्रम रखा गया है। ये उसी तरीके का कार्यक्रम है जब जनता अजीज आ चुकी थी, जनता परेशान हो चुकी थी और अंग्रेजों का कानून चल रहा था, अंग्रेजों का राज था, उसी को ख़त्म करने के लिए हमारी आम जनता 1942 में तैयार हुई और तैयार होने के बाद पाँच साल में उन्होंने बाहर निकाला और निकाल के खदेड़ दिया। आज उसी तरीके से जिस तरीके से मोदी सरकार है, गैस के सिलेंडर बढ़ा दिए, उस महंगाई जो 200 रुपये का तेल है, जो 40 रुपये 20 रुपये का तेल हुआ करता था, आज 200 रुपये का है, उसके लिए हम लोग आज ये मार्च कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि कितना बड़ा कांड इस बीजेपी की गवर्नमेंट कर रही है, मोदी सरकार खाली अडानी और अंबानी के नाम पे काम कर रही है। आपने देखा होगा रुचि सोया, जो हम लोग छोटे थे हमने सुना था उसका नाम, आज रुचि सोया जो कि बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी 12,000 करोड़ में वो बिकने को तैयार थी। यही हमारे बाबा रामदेव जिन्होंने लोगों से कहा कि योग करो और खुद अपना बिजनेस करने लगे, उन्होंने उसमें बिट डाली और बिट डालने के बाद स्टेट बैंक से जो 12,000 करोड़ का जो लोन था वो 10,000 करोड़ में उसी SBI ने उनको दे दिया। आज जिसका रेट इसका जो इसका शेयर था उसके 15 रुपये और 20 रुपये हुआ करते थे, आज उसके रेट बीजेपी की गवर्नमेंट में आज वो रेट 2,500 रुपये और 3,000 रुपये। ये क्या है? ये सिर्फ बीजेपी की गवर्नमेंट, योगी और मोदी की सरकार ये भ्रष्टाचारी काम कर रही है, बेरोजगारों को नौकरी नहीं दे रही है, कोई हर आदमी त्रस्त है इनसे। आप देखिए GST, जिस तरीके से कांग्रेस ने GST की बात करी थी, 18% उसने कहा था ज़्यादा से ज़्यादा होगा और बहुत कम उसमें कम्यूटी थे जो कि 18% में थे, आज इसी बीजेपी गवर्नमेंट ने 24% में उसको GST लगा रखी है। हम कांग्रेसी लोग सब इकट्ठे होकर इसका विरोध करते हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में इसी तरीके का कार्यक्रम 9 और 10 को चल रहा है और उम्मीद नहीं वरन पूरा विश्वास है आने वाला समय कांग्रेस का होगा और इस तरीके से जो कार्यक्रम हो रहे हैं ये बीजेपी की गवर्नमेंट में आखिरी ताबूत में कील का काम करेंगे। तो फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही, बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों आप बने रहिएगा।